खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड का युवा क्यों बैठा सड़कों पर? देहरादून गांधी पार्क से जहां 26 वर्षीय हेमचंद तिवारी पिछले एक माह से भरी सर्दी में धरने पर बैठे हैं, जिनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी, कहां सोई है सरकार, क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है युवाओं पर, क्यों बर्बाद किया जा रहा। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए उत्तराखंड से विकास गोस्वामी की रिपोर्ट। सरकारों की मदद से मैं यहाँ हूँ। मुझे गद्दा और ये कपड़े जो मिल रहे हैं ठंड में, मैं यहाँ बैठा हूँ। और आज मेरा सभी युवाओं साथियों से मेरा अनुरोध है, भाइयों से अनुरोध है कि जब से हमने देखो बीजेपी को भी देखा, हमने कांग्रेस को भी देखा, इन्होंने कभी हमारे युवाओं के साथ छल किया? हमेशा उत्तराखंड के साथ छल किया इन्होंने हमें ठगा है, हमें मूर्ख बनाया गया है, क्योंकि इनकी जो राजनीति सिर्फ सेंट्रल चलती है। आज उत्तराखंड में इनकी इंडस्ट्री बनी हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं वहाँ पर जो 70% की बात करते हैं, ये परमानेंट नौकरी देंगे लेकिन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बताया, क्योंकि उनको सब्सिडी का जो खेल चल रहा है 35% का, 25% का, 30% का, उनमें बंदर माट होता है। और वो जब 3 साल पूरे हो जाते हैं वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल लेते हैं। अगर यहाँ के लोगों को नौकरी देंगे तो वो लोग उसमें धरने बैठ जाएंगे, उस कंपनी को जाने नहीं देंगे। इसीलिए ये खेल बहुत बड़ा चल रहा है, इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन पर विशेष नज़र करें, इन कंपनियों पर नज़र करें कि ये क्यों भाग रहे हैं, क्यों हम लोग, या तो आप लोग भी इनसे मिले हुए हो तभी आप लोग इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हो। मेरी सरकार से अनुरोध है, ये हमारे उत्तराखंड का पैसा है, इस उत्तराखंड को बचाने को, इस उत्तराखंड को इस विनाशकारी आपदाओं से बचाने के लिए खर्च करिए, ना कि ये नेताओं बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए आप खर्च करिए। हम लोगों के लिए आप सोचते, हम लोगों के लिए आप कहते हो कि हम रोजगार देंगे, लेकिन आज हम सड़कों बैठे हैं। हमारा इतना उत्तराखंड भाई, कितने उत्तराखंड के साथ हमारे भाई लोग जो कि इस दर्दता से, परेशानी से वो बेचारे पहाड़ से वापसी जा चुके हैं, क्योंकि आप लोग सिर्फ 20% से लेकर 30% से लेकर 40% तक की राजनीति कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि 60% जो 70% लोग हम लोग बाहर हैं, हम लोग वापसी द्वारा आएँ। यही आपकी नीति है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं, कभी नहीं आपने सोचा कि हम लोग वापसी आएँ। अगर हम लोग वापसी आते तो हम लोग रोजगार देते, हम लोग यहाँ कुछ काम करते, लेकिन आप हमें जब रोजगार ही लोगे, हम कुछ काम ही नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे। आज मैं इतने दिन से बैठा हूँ, धामी जी से मिला, मुझे उम्मीद थी धामी जी से कि धामी जी हमारे युवा हैं, हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के आदमी हैं, हमने उनके लिए बहुत काम किया, हमने उनके लिए प्रचार भी किया था, हमने उनके लिए उनकी चुनाव प्रचार में भी रहा हूं मैं। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि आज हमारे धामी जी जो भाई हमारे युवाओं की सोच विचार रखने वाले, लेकिन आज वो भी हमारे लिए भी सामने फेल हैं। उनके दस्तखत की भी कोई एक डीएम अधिकारी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो क्या उम्मीद कर सकता हूं कि वो उत्तराखंड के लिए कुछ कर पाएंगे। मुझे अफसोस होता है कि हमारे युवा साथियों के लिए क्या होगा आज हमारे उत्तराखंड में।